हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करते हैं अगस्त की सीरीज़ को, यानी जो करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पर पार्ट वाइज जो है समझेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊंगी कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। और दूसरी बात, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने बैठोगे, यूजीसी नेट है, सीटेट है, आपका सेट एग्ज़ाम है, आपका जो है पीसीएस का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, सब में आएंगे ये करंट अफेयर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर वन, आंसर करिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की। टाइम स्टार्ट हो गया है अब। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्माइल 75 इनिशिएटिव। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। कमेंट करिए जो भी आपको आंसर लगता है कि इसका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है उनका सही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने मुस्कान यानी स्माइल, स्माइल का यहाँ पर अगर आप फुल फॉर्म देखें, फुल फॉर्म भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, स्माइल 75 इनिशिएटिव, फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर मर्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, यानी भारत सरकार ने मुस्कान, जिसे हम कहेंगे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन के तहत स्माइल 75 पहल शुरू की। स्माइल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। उसके बाद मिनिस्ट्री हैज़ आइडेंटिफाइड 75 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू इम्प्लीमेंट रिहेबिलेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग, यानी मंत्रालय ने भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की, और मंत्रालय ने स्माइल परियोजना के लिए 2025-26 तक के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कौन से मंत्रालय ने किए हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। विच कंट्री होस्टेड द बायलेटरल एयर एक्सरसाइज नेम उदार शक्ति। टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर टू। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का मेजबान है। अभ्यास में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी भाग ले रही है। 4 दिवसीय अभ्यास में दोनों वायुसेनाओं के बीच विभिन्न हवाई है युद्ध अभ्यास शामिल है। फ्रंट लाइन सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित करने वाला पहला ऐसा द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था। पहला कब आयोजित किया गया था, 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स वालों में भी आ सकता है। क्वेश्चन को पढ़िए, मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूं। वॉट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI बेस्ड इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में दर्ज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कौन सी है। ए 4.71, बी 5.71, सी 6.71, डी 7.71%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 6.71%। किसके द्वारा ये डाटा निकाला जाता है? ध्यान रखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन इज मार्जिनली एट 6.71% इन जुलाई फॉर फ्रॉम 7.01% इन द प्रीवियस मंथ। हाउएवर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 12.3% इन जून कंपेयर टू 19.6% इन मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात मुद्रा स्फीति जुलाई में मामूली रूप से घटकर 6.71% हो गई है, जो कि उससे पहले यानी जून में 7.1% थी। हालांकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जून में 12.5% यानी 12.3% पड़ा, जो मई में 19.6 था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया? विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द डीएसटी स्टार्टअप उत्सव? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के अनुसार वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न है, जिसमें से 49% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। इस कार्यक्रम में 75 इम्पैक्टफुल इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करने वाली विशेष पुस्तकों का विमोचन, निधि सीट द्वारा समर्पित 75 इम्पैक्टफुल स्टार्टअप्स और निधि EIR द्वारा समर्पित 75 इम्पैक्टफुल स्मार्ट स्टार्टअप्स का विमोचन भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त मलाई हाथी अभयारण्य, जिसे कि हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य में शामिल है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। विच वॉज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने अगस्त मलाई में 1,19,19,748 वर्ग किलोमीटर भूमि को हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के तमिलनाडु वन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ये तमिलनाडु राज्य का 5वां हाथी रिजर्व है, क्योंकि नीलगिरी पूर्वी घाट, कोयम्बटूर में नीलामपुर साइलेंट वैली, श्री विल्लीपुत्तूर और अनामलाई राज्य में 4 मौजूदा हाथी रिजर्व हैं और कुल मिलाकर भारत में 31 हाथी भंडार हैं। 1,197.48 वर्ग किलोमीटर भूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी संस्था भारत में डिजिटल उधार गतिविधियों को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज गाइडलाइंस टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज।
आरबीआई ऑल्सो स्पेसिफाइड द लेंडिंग बिजनेस कैन ओनली बी कैरिड आउट बाई द एंटिटीज रेगुलेटेड बाई द सेंट्रल बैंक और दोज परमिटेड अंडर द लॉ. दिस हैज बीन रिलीज इन एन एफर्ट टू द मिटिगेट द कंसर्न फ्रॉम क्रेडिट डिलीवरी थ्रू डिजिटल लेंडिंग मैथड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. कमेंट करते जाइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क. ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हैं? ऑप्शन ए भारत नेपाल, बी चीन नेपाल, सी भारत बांग्लादेश और डी चीन और बांग्लादेश. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर. ऑप्शन नंबर बी चाइना और नेपाल. चीन और नेपाल. चीन ट्रांस हिमालय बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क के तहत नेपाल के साथ सीमा पार रेलवे के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन के वित्त पोषण के लिए सहमत हुआ है. यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है. चीन ने देश में चीन द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भी वादा किया. चीन अनुदान सहायता के तहत केरुंग काठमांडू रेलवे का व्यवहार्यता अध्ययन करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क किस संस्थान ने लॉन्च किया? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी BEL. और जिसको भी ये PDF चाहिए कमेंट जरूर करिएगा. कमेंट में टाइप करिएगा यस वी वॉन्ट PDF, देन फिर मैं अपलोड कर दूंगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका सही आंसर. ऑप्शन नंबर सी इसरो. इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनवील्ड स्पार्क अ वर्चुअल स्पेस टेक पार्क एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन. इट वॉज लॉन्च बाई इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ एंड द वर्चुअल स्पेस म्यूजियम होस्ट सेवरल डॉक्यूमेंट इमेजेस एंड वीडियो रिलेटेड टू लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट साइंटिफिक मिशन एज वेल एज पाइनियर्स ऑफ इंडिया स्पेस सेक्टर. अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में वर्चुअल स्पेस टेक पार्क का अनावरण किया गया और उसका नाम रखा गया स्पार्क. क्वेश्चन नंबर 9. अटल पेंशन योजना के नियमों में हाल के परिवर्तनों के अनुसार लाभार्थियों की किस श्रेणी को बाहर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9. और ये योजना कब स्टार्ट हुई थी ये ईयर जरूर टाइप करिए. कब अटल पेंशन योजना का जो ईयर है जरूर टाइप करिए. एज पर रीसेंट चेंजेस इन अटल पेंशन योजना रूल्स विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज आर एक्सक्लूडेड? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी इनकम टैक्स पेयर, ऑप्शन नंबर डी नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी NRI. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर. ऑप्शन नंबर सी आयकरदाता यानी इनकम टैक्स पेयर्स. सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होने वाले अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किए. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है या आय पे कर रहा है यानी इनकम टैक्स दे रहा है वो इस पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगा. यदि कोई आयकर भुगतान करने वाला निवेशक 1 अक्टूबर को या उसके बाद APY योजना में शामिल होता है तो APY खाता बंद करने के लिए उत्तरदायी होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. नीपम खबरों में रहा नीपम किस क्षेत्र से जुड़ा है? अभी इस सीरीज की यानी अगस्त के और भी करंट अफेयर्स जो हैं जल्दी ही आपके सामने अवेलेबल होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10.
नीपम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर डी फूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी बौद्धिक संपदा। नीपम बौद्धिक संपदा से संबंधित है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। नीपम का फुल फॉर्म देखिएगा, NIPAM, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन इज अ प्रोग्राम टू स्प्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस एंड प्रोवाइड बेसिक ट्रेनिंग। द प्रोग्राम हैज मेट इट्स गोल ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू 1 मिलियन स्टूडेंट ऑन July 31, 2022 बिफोर इट्स डेडलाइन ऑफ August 15, 2022। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन बौद्धिक संपदा जागरूकता फैलाने बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम ने 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पहले 31 जुलाई 2022 को 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो ये रहे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन, यानी अगस्त के जो स्टार्टिंग के जो इम्पॉर्टेंट आपको MCQs करवाए हैं करंट अफेयर के। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस आपको और मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, यस वी वॉन्ट PDF, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने सर्कल में, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे आपसे रात की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।